हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लाई हूँ अशनूर कौर से इंस्पायर्ड हेयर स्टाइल। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फॉर द फर्स्ट लुक आपको निकालना है मिडिल पार्टीशन। अब हम दोनों तरफ से अपने आगे के बालों को साइड कर लेंगे और बाकी के बचे हुए बालों की हमें बना लेनी है एक हाई पोनीटेल। मेक श्योर आपकी जो पोनीटेल हो वो हाई हो और थोड़ी सी स्लीक हो, मतलब मैसी लुक यहाँ पे हम नहीं लेंगे, स्लीक लुक लेंगे। पोनीटेल बनाने के बाद हमें एक साइड के अपने बालों को लेना है, आगे से थोड़े से बालों को लेंगे, डिवाइड करेंगे उन्हें तीन इक्वल सेक्शन में और यहाँ पे हमें बनानी है डच ब्रेड। डच ब्रेड में हम नॉर्मली मिडिल सेक्शन के नीचे से सेक्शन को ले जाते हैं, इट मीन्स राइट सेक्शन को मिडिल सेक्शन के नीचे से ले जाएंगे, उसके बाद लेफ्ट सेक्शन को मिडिल सेक्शन के नीचे से ले जाएंगे। अब यहाँ पे हमें हर स्टेप पे थोड़े थोड़े बालों को ऐड ऑन करना है दोनों साइड से और आपकी जो ब्रेड बनेगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, बिकॉज हमें ये जो ब्रेड है उसे अपनी पोनीटेल के अंदर बाद में कवर कर लेना है। तो अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में ब्रेड नहीं बनाएंगे तो ब्रेड में बम्प्स आ जाएंगे, सो मेक श्योर आपकी जो ब्रेड बने वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ही हो। जब आगे के सारे बाल कवर हो जाएं तो आप नॉर्मल तरीके से ब्रेड बना लीजिए। अब इस ब्रेड को हमें अपने पोनीटेल के ऊपर से ले जाना है कुछ इस तरीके से। फिलहाल के लिए मैं इसे पिनअप से सिक्योर कर ले रही हूँ, आप चाहते हो रबर बैंड सिक्योर कर लीजिए। दूसरी ब्रेड बनाने के बाद हम इन दोनों ब्रेड को अपनी पोनीटेल के अंदर कवर कर लेंगे। अब इसी तरह हमें दूसरी साइड भी ब्रेड बना लेनी है। टॉप से बालों को ग्रैब करिए, डिवाइड करिए उन्हें तीन इक्वल सेक्शन में और राइट सेक्शन को मिडिल सेक्शन के नीचे से ले जाना है, लेफ्ट सेक्शन को मिडिल सेक्शन के नीचे से ले जाना है और हर स्टेप में दोनों साइड से थोड़े थोड़े बालों को ऐड ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी दोनों ब्रेड बन गई हैं। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था, आपको इसे ब्रेड को पोनीटेल के अंदर कवर करना है। आप एक नई रबर बैंड ले सकते हैं, मैं जो रबर बैंड लगी है इसे ही निकाल के वापस से सारी ब्रेड को, दोनों ब्रेड को और पोनीटेल को एक रबर बैंड के अंदर कवर कर लूँगी। एंड दिस योर फाइनल लुक। आपको ये लुक कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया है तो लाइक बटन को हिट कर दीजिए। सेकेंड हेयर स्टाइल जिसे आप पार्टी लुक हेयर स्टाइल भी कह सकते हैं, इसके लिए निकालना है आपको साइड पार्टीशन। अब आप एक तरफ से अपने आगे के बालों को साइड कर लीजिए और अपना क्राउन सेक्शन ग्रैब करिए, उसे स्मूथ करिए और उसका एक नॉर्मल सा पफ बना लेंगे। यहाँ पे हम हमें पफ में ज़्यादा वॉल्यूम नहीं चाहिए, हम सिर्फ पफ बना रहे हैं ताकि हमारा जो साइड में जब हमारा पोनीटेल बनेगी तो हमारा जो ऊपर का लुक है वो फ्लैट ना लगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा नॉर्मल सा पफ बना लेना है जिसमें बहुत ही नॉर्मल सा वॉल्यूम देंगे हम। पफ बनाने के बाद हम सारे बालों को एक साइड लाएंगे
अब साइड में लाएंगे तो आप देख सकते हैं एक पार्टीशन टाइप का हो गया है। अगर आपका भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप थोड़े से बालों को लीजिए और उस पार्टीशन को कवर कर लीजिए कुछ इस तरीके से। अब हम एक पोनीटेल बनाएंगे, साइड पोनीटेल। इसके बाद अपने बालों को डिवाइड करेंगे दो इक्वल सेक्शन में और नॉट बनाते रहेंगे एंड्स तक, कुछ इस तरीके से। इस मेथड से आपको बहुत ही मैसी लुक मिलता है और बहुत ही जल्दी ये क्रिएट हो जाता है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। आपको ये ट्रिक कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिनके कर्ली हेयर्स हैं ऑलरेडी, वो नॉर्मल तरीके से बन बना के उसे मैसी लुक दे सकते हैं, पर जिनके स्ट्रेट हैं वो ये ट्रिक अपना सकते हैं। एंड्स को सिक्योर कर लेंगे रबर बैंड से। इसके बाद हमें इसे थोड़ा सा और मैसी करना है, तो हम बालों को बाहर की तरफ पुल आउट करेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम इसे रैप करेंगे एक बन के शेप में। हम इसे हम साइड बन ही बना रहे हैं क्योंकि पिक में जो है वो साइड बन ही है, और रैप करते करते ही हम इसे यू पिन से सिक्योर करते जाएंगे जिससे हमारा बन जो है वो अच्छे से फिक्स होता रहे। बन बनाने के बाद हमारे जो आगे के बाल हैं उन्हें हम लेंगे और स्प्रेड करेंगे जिससे हमारा जो फोरहेड है वो हाइड हो सके। अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपना कितना फोरहेड हाइड करना चाहते हैं, आप उस अकॉर्डिंग अपने बालों को सेट कर लीजिए। और बाकी के बच्चे पर बालों को हम रैप कर देंगे बन में और सिक्योर कर लेंगे पिन की हेल्प से। सो दैट्स इट, यू आर डन। इधर जो साइड में थोड़े से बाल मैंने निकाल रखे हैं, इन्हें आप कर्ल कर सकते हैं जैसा कि पिक में आपको लुक दिख रहा है, सेम वैसा लुक आ जाएगा, बट मैं यहाँ पे एज इट इज़ छोड़ रही हूँ। तो गाइज ये लुक कैसा लगा आपको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक बटन को हिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। तो थर्ड लुक के लिए अपने टॉप सेक्शन साइड कर लेंगे फिलहाल के लिए, और बाकी हुए बचे हुए बालों के हमें बना लेनी है एक हाई पोनीटेल। अब इस पोनीटेल को हमें एक बन के फॉर्म में करना है, तो यहाँ पे मैं नॉर्मली रैप कर रही हूँ बन के शेप में। मैं यहाँ पे ट्विस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो बन है वो बहुत ही फ्लफी और बहुत ही वॉल्यूमिनस लग रहा है। इसी तरह से रैप करके हम पिन से सिक्योर कर देंगे बन को। बन बनाने के बाद अब हम जो आगे के बाल हमने साइड किए थे उन्हें हमें लेना है, क्योंकि ये कैजुअल बन है तो बिना आगे की फ्लिक्स निकाले तो काम चलने नहीं वाला है, तो हम थोड़े थोड़े रैंडम स्ट्रैंड निकाल लेंगे कैजुअल लुक लेने के लिए। उसके बाद हमें इन बालों की बना लेनी है एक पोनीटेल। पोनीटेल बनाने के लिए आप एक पतला सा रबर बैंड ले लीजिए जैसे कि मैं ले रही हूँ। अब इसे हमें एक लूप बनाना है, और इस पोनीटेल पे दो पार्टीशन हो जाएंगे आप देख सकते हैं, इन्हें हमें कर देना है ट्विस्ट। अब इस ट्विस्ट के बीच से हमें अपना बन निकालना है। यहाँ पे आप जो देख सकते हैं पिक में जो टेक्सचर है वो आपको यहाँ पे अचीव हो जाएगा, और बाकी के बचे हुए बालों को आप रैप कर दीजिए बन में और उससे सिक्योर कर दीजिए पिन की हेल्प से। एंड दैट्स इट, आपका एक मिनट के अंदर कैजुअल मैसी लुक तैयार है।
तो गाइस ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को हिट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर हेयर स्टाइल का वीडियो चाहिए तो आपको पता है आपको कमेंट करके बताना है या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर देना। इंस्टाग्राम की ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, सी यू सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे स्टाइलिश। बाय बाय।